टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द अर्थ, उसके अंदर का फिनोमेना कैसा है। अब हम बात करते हैं कि जो उसके अंदर था, अब जब वो एग्जिस्ट करके बाहर निकलता है तो उसके बाद क्या होता है। जियोलॉजी के बारे में बात करेंगे, रॉक सिस्टम पे और अर्थ के अंदर मिनरल्स वगैरह कैसे पाए जाते हैं। ओके, तो हम बात कर रहे थे मिनरल्स की, जियोलॉजी की और रॉक सिस्टम्स की। तो क्या होता है, देखिए अर्थ के अंदर हमने देखा कि जब कूलिंग हुई तो बहुत सारे टाइप के फिनोमेनाज होते हैं। जब बहुत सारे टाइप के फिनोमेनाज होते हैं, उन फिनोमेनाज से रॉक सिस्टम्स डेवलप होते हैं। जब रॉक सिस्टम्स डेवलप हुए तो रॉक सिस्टम के डेवलप होने से पहले क्या हुआ, रॉक सिस्टम के डेवलप होने से पहले बहुत सारे मिनरल्स अर्थ के अंदर आ जाते हैं। वो मिनरल्स क्यों आए, क्योंकि अर्थ के अंदर ऑलरेडी गैसेस थी जब अर्थ बन रही थी, सम बिलियन ईयर्स अगो। जब अर्थ बनी और जब गैसेस उसके अंदर थी, जब वो गैसेस कूल होती हैं, कंडेंस होती हैं, सॉलिडिफाई होती हैं, तो वो मिनरल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। जब मिनरल्स बनते हैं अर्थ के अंदर, उन मिनरल्स के डिपोजिशन की वजह से रॉक्स बनते हैं। और उन मिनरल्स में अगर हम देखें तो मिनरल्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। आज हमारी अर्थ के अंदर क्या क्या मिलता है बता सकते हैं? अर्थ के अंदर गैस मिलती है, ठीक है, जिसका मेन कंस्टिट्यूएंट क्या है, मीथेन, कार्बन और हाइड्रोजन। अर्थ के अंदर पेट्रोलियम मिलता है, पेट्रोलियम का मेन कंस्टिट्यूएंट हम बोल सकते हैं, पेट्रोलियम के अंदर क्या है, कार्बन है, मोस्टली कार्बन ही है। अगर देखें तो आज हमारे पास एलपीजी गैस है जिसका मेन कंस्टिट्यूएंट क्या है, ब्यूटेन। सिमिलरली अर्थ के अंदर हमें कोल मिलता है, ठीक है, जिसका मेन कंस्टिट्यूएंट क्या है, कार्बन। अर्थ के अंदर बहुत सारे अदर टाइप ऑफ मिनरल्स मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सिलिका, आयरन, मैग्नीशियम, ठीक है, कोबाल्ट, ठीक है, टंगस्टन, ऑल दीज टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द अर्थ। अर्थ में ये बात हमने डिस्कस की थी, अगर आपको याद हो, थ्योरी जब हमने पढ़ी थी कि प्लैनेट्स में मिनरल्स क्यों आए, हैवी मिनरल्स, ठीक है, हैवी मेटल्स क्यों आए, जबकि सन में वो नहीं थे, क्योंकि आपको याद होगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गेटिंग कन्वर्टेड टू हीलियम एंड हीलियम फर्दर रिएक्शन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ हैवी एलिमेंट्स। तो हैवी एलिमेंट्स अर्थ पे आ जाते हैं। वही हैवी एलिमेंट्स आज की डेट में कहीं पे आयरन है, कहीं मैग्नीज है, कहीं बॉक्साइट है, कहीं एल्यूमिनियम है, कहीं सिलिका है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। उन एलिमेंट्स को अगर हम डिस्कस करते हैं तो उन एलिमेंट्स को मिनरल्स की फॉर्म में हम डिस्कस करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। मेटालिक वो जो मेटल फॉर्म में है और नॉन मेटालिक वो जो मेटल फॉर्म में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कोल इज अ मेटालिक और नॉन मेटालिक, कोल इज अ नॉन मेटालिक, ठीक है, गैसेज आर द नॉन मेटालिक, ठीक है, तो वो नॉन मेटालिक है। मेटालिक कौन से हो जाएंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल माइका, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, ये सब चीज़ें क्या हैं, दीज आर द मेटालिक। अब इसमें जो फेरस हैं, जिसमें आयरन कंटेंट होता है, उसे हम फेरस बोल देते हैं, फॉर एग्जाम्पल आयरन। और जो नॉन फेरस है, फॉर एग्जाम्पल कॉपर, ब्रास, ब्रॉन्ज, ठीक है, निकल, ये सब जो है इनको आप बोल देते हैं नॉन फेरस। तो ऐसे ही जब नॉन मेटालिक के बारे में बात करते हैं, तो नॉन मेटालिक के बारे में जब बात करते हैं तो फर्दर क्लासिफिकेशन होती है। नॉन मेटालिक मतलब जो मेटल्स नहीं है, जैसे कि बहुत सारे मेटल नहीं है, डायमंड मेटल है, डायमंड इज अ मेटल और नॉन मेटल, डायमंड इज अ नॉन मेटल। और आप बिलीव नहीं करेंगे, डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, डायमंड हार्डेस्ट होता है, जो आपके ग्राइंडिंग व्हील होते हैं उसमें डायमंड लगता है। ओके, तो वो वाला डायमंड नहीं जो रिंग्स पहनते हैं, वो तो बहुत कॉस्टली है, डायमंड की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं। तो डायमंड इज अ हार्डेस्ट फॉर्म। उसके अलावा सल्फर, सल्फर भी क्या है, नॉन मेटालिक है, डायमंड हो गया, और क्या बोल सकते हैं मेटालिक में ही, अगर प्रीशियस एलिमेंट्स को ले लें तो गोल्ड होता है, ठीक है, प्लैटिनम होता है, सिल्वर होता है, ये सब कहाँ मिल रहे हैं, अर्थ के अंदर मिल रहे हैं। तो हमारा जो मेन कंसर्न है वो ये है कि मिनरल्स को तो हम पढ़ते हैं बेसिकली अपनी इकोनॉमिक ज्योग्राफी में, कहाँ कौन सा मिनरल मिला, ठीक, हमारे यहाँ पे मेन कंसर्न है कि मिनरल बने कैसे। ये जब मिनरल बने, ये बने अर्थ के अंदर, कुछ मिनरल्स बने अर्थ के अंदर जो फॉसिल्स थे, उन फॉसिल्स के डेवलप होने के कारण। फॉर एग्जाम्पल बहुत जियोलॉजिकल पास्ट में कई बिलियन ईयर्स अगो, जब कुछ जगहों पे सबमर्जेंस हुआ और दब गई कुछ बहुत सारे फॉरेस्ट एरियाज, तो उनमें फॉसिल्स डेवलप हुए। आज वहाँ पे क्या मिलता है, कोल मिलता है, आज वहाँ पे क्या मिलता है, पेट्रोलियम मिलता है, लेकिन कई जगहों पे क्या है, मिनरल्स डायरेक्टली फॉर्म हुए बिकॉज ऑफ सम सॉर्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कई जगहों पे मिनरल्स फॉर्म हुए बिकॉज वहाँ पे मैग्मा है, बिकॉज वहाँ पे लावा है, जहाँ पे मैग्मा लावा निकला वहाँ पे एक अलग टाइप के मिनरल्स मिले, अलग टाइप के रॉक बने, जहाँ पे डिपॉजिट्स बने वहाँ पे अलग टाइप के रॉक्स बने, मिनरल्स बने। फॉर एग्जाम्पल एक लैंड सिस्टम था, उसके अंदर लावा का इरप्शन होता है, जब लावा का इरप्शन होता है तो इरप्शन होने के बाद कुछ लावा बाहर की तरफ गिरता है और वहाँ पे एक वॉल्केनिक रॉक बन जाता है। जब यहाँ पे जाकर के चेक किया, इसके एक टाइप ऑफ रॉक्स बन रहे थे, इन रॉक्स को हमने बोलेंगे आगे चल के इग्नियस रॉक्स। ऐसे ही देखा कुछ जगहों पे, जब फॉरेस्ट दब गए तो लेयर्स बन गई, और जब लेयर्स बाय लेयर्स बनती चली गई, उन लेयर्स के बीच में हमको फॉसिल्स मिले, कहीं पे हमको कोल मिला, कहीं पे हमको पेट्रोलियम मिला, कहीं पे हमको बीच में लेयर्स में क्या मिली, गैसेस मिली। जिन रॉक सिस्टम में बीच में हमको कुछ कुछ लेयर्स मिली, फॉसिल्स मिली, उनको हमने सेडिमेंट्री रॉक्स बोल दिया। फिर एक और टाइप के रॉक्स हमको मिले, हमने देखा कि उन रॉक्स में क्या था, उन रॉक्स में कोई लेयरिंग नहीं थी, उन रॉक्स में कुछ 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 कहाँ था, पैटर्न्स हमको देखने को मिले। उन पैटर्न्स को देख के हमने कहा इन रॉक्स में तो बहुत ज़्यादा सालों तक बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा प्रेशर और बहुत ज़्यादा हीट लगी है। अगर इनमें इस रॉक्स को इस पर्टिकुलर हीट, टेम्परेचर, प्रेशर ने परेशान किया है,
तो इस रॉक ने अपनी स्टेट को बदल लिया है। तो जब स्टेट को बदला तो वो रॉक एक अलग टाइप का रॉक जाके डेवलप हो गया, जिसे हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। और मेटामॉर्फिज्म तो हम लोग अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों का मेटामॉर्फिज्म हो जाएगा जब आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी करके बाहर निकल जाएंगे, राइट? चेंज इन दी फॉर्म, दैट इज मेटामॉर्फिज्म। ओके, तो क्वेश्चन ये है कि जो मिनरल्स हैं वो किस टाइप के हैं। बहुत अलग अलग टाइप के मिनरल्स हैं, फेल्डस्पार, क्वार्ट्ज, अलग अलग जगहों पे ये इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल जो सीरामिक और ग्लास मेकिंग है उसमें फेल्डस्पार इस्तेमाल होता है ताकि बॉन्डिंग बनी रहे, क्वार्ट्ज इस्तेमाल होता है आपकी वॉचेस जब बनती है वहाँ पे। तो ये एप्लीकेशंस आपको रटनी है, लेकिन ऐसे नहीं कि आप इसी में खो जाएं। ये सिर्फ इसलिए है कि आप इसको समझ लें कि कहाँ पे क्या क्या मिलता है, ठीक? नॉट बिकॉज, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया कि कौन से में क्या एप्लीकेशन है कैसी नहीं। क्वेश्चन यहाँ से आता है प्री में भी और मेंस में भी, कल वाले का क्वेश्चन प्राइमरी रॉक्स, और बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए, अरे प्राइमरी रॉक्स हमने देखे नहीं, कल तो हमने देखा ही नहीं प्राइमरी रॉक्स क्या होते हैं। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉल आया कि सर प्राइमरी रॉक्स क्या होते हैं, मैं गलत तो नहीं लिखाया? अरे जो पढ़ा है वही तो प्राइमरी रॉक्स हैं। अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं वहाँ बैठ करके, तो प्राइमरी रॉक मतलब जो पहले बनते हैं और जो सेकेंडरी रॉक्स जो बाद में बनते हैं। मैं बिल्कुल नहीं बता रहा क्लास में प्राइमरी क्या है, ठीक है? हम पढ़ते हैं फिर देखते हैं, प्राइमरी आप बताएंगे प्राइमरी क्या है और सेकेंडरी क्या है, ठीक है? तो हम रॉक सिस्टम के बारे में बात करते हैं। जब आप रॉक सिस्टम की स्टडी करते हैं तो दैट स्टडी इज डिफाइंड एज व्हाट? पेट्रोलॉजी। जब आप रॉक सिस्टम की स्टडी करोगे तो आप बोलोगे उसको पेट्रोलॉजी। और रॉक्स जब डेवलप होते हैं तो रॉक्स को डेवलप होने का जो टाइम फ्रेम है ना, वो लॉन्ग टाइम फ्रेम कहलाता है। और लॉन्ग टाइम फ्रेम के साथ साथ रॉक्स जो डेवलपमेंट होने का मैकेनिज्म है, दैट मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स नंबर ऑफ फिनोमेना। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारी फोर्सेज लगती हैं, टेम्परेचर्स एक्ट करते हैं, प्रेशर्स एक्ट करते हैं, ठीक है? और साथ में इसके साथ साथ एनर्जीज एक्ट करती हैं। एनर्जी से मेरा यहाँ पे मतलब है फॉर एग्जांपल हीट एनर्जी। जब ये सब मैकेनिज्म एक्ट करेंगे और जब ये फोर्सेस एक्ट करेंगी तो रॉक्स का फॉर्मेशन, जैसे कहते हैं तराशा हुआ पत्थर, दैट इज योर रॉक। और रॉक सिस्टम की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? पेट्रोलॉजी। अब क्वेश्चन ये आता है कि रॉक सिस्टम्स जब बन गए तो अलग अलग टाइप के रॉक सिस्टम्स कैसे डेवलप हुए और कैसे ये बने? अगर हम इन अलग अलग टाइप ऑफ रॉक सिस्टम के बारे में बात करें तो हम देखते हैं बाय एंड लार्ज यहाँ पे तीन तरह के रॉक सिस्टम हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो रॉक सिस्टम है, दैट इज योर फर्स्ट रॉक सिस्टम, दैट इज इग्नियस रॉक्स। अब इग्नियस रॉक सिस्टम बनता कैसे? जब भी आपका वॉल्केनिज्म हुआ अर्थ के अंदर, हमने क्या डिस्कस किया, अर्थ के अंदर हमारे पास मेंटल है और मेंटल जैसे ही बाहर निकलता है वो मॉल्टन फॉर्म ले लेता है, और जब तक अंदर होता है वो मैग्मा कहलाता है, जैसे ही बाहर निकलता है लावा बन जाता है। जब वो लावा बाहर निकलता है और जब वो कूल होता है, तो आप देखिए लावा का बाहर निकलना, लावा का बाहर निकलना और इस पर्टिकुलर कंड्यूट से और कूल हो जाना यहाँ पे आकर के, जब वो कूलिंग होती है उसकी, आफ्टर द कूलिंग व्हाट हैपेंस, कूलिंग के कुछ टाइम बाद ये रॉक बन जाता है। और जब ये रॉक बनता है तो हम जाके इसको चेक करते हैं, व्हेन आई विल गो एंड चेक दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ रॉक, वहाँ पे जाके हम चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर कुछ कुछ क्रिस्टल्स होते हैं। क्रिस्टल्स आर देयर एंड क्रिस्टल्स भी बहुत ज़्यादा फाइन ग्रेन्ड, आई वुड से इट इज़ वेरी फाइन ग्रेन्ड टाइप ऑफ द रॉक, बिल्कुल ऐसे फाइन जैसे जस्ट लाइक अ पाउडर, योर टैलकम पाउडर, ठीक है? कंपेयर टू अदर रॉक्स उसके ग्रेन फाइन होते हैं। उसके अलावा उसके अंदर कोई भी फॉसिल्स नहीं होते, कोई भी उसके अंदर फॉसिल्स नहीं मिलते, कोई भी उस रॉक के अंदर आपको किसी भी तरह की लेयरिंग्स नहीं मिलती, नो लेयरिंग्स इन दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ द रॉक सिस्टम। तो उस रॉक सिस्टम को हमने नाम रख दिया क्या, हमने उसका नाम रखा इग्नियस रॉक। फिर क्वेश्चन ये आया कि लेयरिंग्स क्यों नहीं होती, क्योंकि जब मैग्मा बाहर आता है तो मैग्मा कंप्लीटली कूल डाउन होता है, और जब कंप्लीटली कूल डाउन होता है तो कूलिंग बहुत फास्ट होती है, क्योंकि आसपास क्या है, एटमॉस्फेयर। अगर एटमॉस्फेयर उसके आसपास है तो एटमॉस्फेयर के होने की वजह से एटमॉस्फेयर तुरंत उससे हीट सक करता है, और जहाँ पे वो जैसा है वहीं बन जाता है। तो जैसा है वो वैसा बन जाता है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आपने घर में जैसे लड्डू बनाते हैं, यू मिक्स ड्राई फ्रूट्स इन दैम एंड यू मिक्स नंबर ऑफ शुगर नोड्यूल्स इन दैम, आपने जिस फॉर्म में उस लड्डू को छोड़ दिया गर्म से ठंडा, व्हाट विल हैपन, दैट विल सॉलिडिफाई। और जब लड्डू को काट के चेक करेंगे तो क्या मिलेगा, बीच में कहीं पे यू विल हैव कैश्यूज, समवेयर यू विल हैव शुगर नोड्यूल्स, समवेयर यू विल हैव रेजिन्स, तो वो लड्डू में बीच में क्या बन गए, क्रिस्टल्स बन गए। तो जैसे कूलिंग होती है क्रिस्टल्स बनते हैं, और कूलिंग बहुत फास्ट होती है। जब कूलिंग बहुत फास्ट होती है ना, हमेशा ध्यान रखना, कूलिंग बहुत फास्ट बहुत फाइन ग्रेन सिस्टम बनता है, कूलिंग स्लो होगी तो मोटा मोटा क्रिस्टल्स बनेंगे। तो फाइन ग्रेन क्रिस्टल बनते हैं इस पर्टिकुलर रॉक के, इसमें कुछ भी, इसमें किसी भी तरीके का कोई भी फॉसिल नहीं मिलेगा। क्यों? आप सोचिए इसकी इतनी ज़्यादा बर्निंग हो जाती है, और जब इसकी बर्निंग होगी तो बर्निंग की वजह से क्या होगा, इसके अंदर जो अगर फॉसिल कभी गलती से थे भी, दोज फॉसिल ऑल्सो विल नॉट फॉर्म। इसमें क्रैक्स नहीं आएंगे, क्योंकि अगर क्रैक्स आते, क्रेवाइसेस आते, तो दैट विल लीड टू द वेदरिंग फर्दर एंड दैट विल लीड टू द ब्रेकेज ऑफ द रॉक्स। भाई रॉक्स तो रॉक्स कोई थोड़ी ना कि एक बहुत बड़ा लैंड मास है, रॉक्स आर वॉट, ब्रोकन पार्ट्स ओनली, आती है तो आने दो, क्या प्रॉब्लम है, क्रैकिंग तो होगी ना,
जब अगर बहुत फास्ट कूलिंग होगी तो। ओके, तो ये हुआ इग्नियस रॉक्स के बारे में, इग्नियस इनिशियल फर्स्ट रॉक सिस्टम वो बन गया। अब इग्नियस रॉक्स बन के डेवलप हो गए, जब इग्नियस रॉक्स बन के डेवलप हुए तो इग्नियस रॉक्स बनने के बाद क्या होता है, कुछ समय बाद इग्नियस रॉक्स के ऊपर बहुत सारे एजेंट्स आके एक्ट करते हैं। वो एजेंट्स कौन से होते हैं, इधर से अगर देखेंगे एक एजेंट होता है वाटर, एक एजेंट होता है वाटर, फिर एक एजेंट होता है एयर या फिर विंड, देन नेक्स्ट एजेंट इज आइस या फिर आप बोल सकते हैं ग्लेशियर्स, ठीक है, समटाइम्स सी वाटर, सॉल्टी वाटर आप बोल सकते हैं, समटाइम रिवर वाटर, ठीक है, समटाइम इसमें अलग एजेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल केमिकल रिएक्शन, ठीक है, समटाइम्स इसमें प्रेशर्स आके एक्ट करते हैं। जब ये एजेंट्स, ये सब पर्टिकुलर एजेंट्स मिल करके ये एक एक एजेंट्स अपना रोल प्ले करते हैं, तो वो क्या करते हैं, धीरे धीरे इसके ऊपर से पाउडर्स निकालना स्टार्ट कर देते हैं, एंड दैट पर्टिकुलर फिनोमेना इज डिफाइंड एज वेदरिंग। जब आप एजेंट्स वाटर, एयर या फिर ग्लेशियर्स ये रॉक के ऊपर स्लाइड करते हैं और रॉक के ऊपर से कुछ कुछ मटेरियल को निकाल देते हैं, दैट फिनोमेना इज नोन एज वेदरिंग। वेदरिंग की वजह से क्या होता है, पाउडर फॉर्म्स बनती हैं रॉक की, और उन पाउडर फॉर्म्स को हम क्या बोल देते हैं, सेडिमेंट्स। जब इन सेडिमेंट्स के ऊपर फिर से फोर्सेस लगती हैं बिकॉज ऑफ द कंप्रेशन और बिकॉज ऑफ द कॉम्पैक्शन, किसी चीज़ को अगर आप एक अपने पेपर्स A4 शीट लेते हैं, जब उन A4 शीट्स को आप एक साथ स्टैक करके रखते हैं और ऊपर से हाथ मारते हैं, दैट इज़ नॉट कॉम्पैक्शन, कॉम्पैक्ट करना उसको, ठीक है। पाउडर को अगर आप प्रेस कर रहे हैं और प्रेस करके आप उसको ऊपर से प्रेशर लगा रहे हैं, तो दैट फिनोमेना इज नोन एज व्हाट, कॉम्पैक्शन। और जब वो कॉम्पैक्शन होता है तो उस कॉम्पैक्शन फिनोमेना जो हम करते हैं वो तो बहुत जल्दी होता है, लेकिन यहाँ पे इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। व्हाई टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, एक बार पाउडर है उसके ऊपर एक लेयर बन गई, अब क्या होगा, कुछ फॉसिल्स आके वहाँ पे, कुछ पेड़ पौधे जानवर मरे होंगे, पत्ते गिरे होंगे, पतझड़ हुआ होगा, वो जाकर के डिपॉजिट होंगे, देन नेक्स्ट लेयर विल कम, एंड देन अगेन दिस फिनोमेना विल हैपन, देन नेक्स्ट लेयर विल कम। तो क्या होता है, इन तरह के रॉक्स में लेयर आफ्टर लेयर विल स्टार्ट फॉर्मिंग, और जब लेयर आफ्टर लेयर फॉर्म करती है तो हम इन लेयर्स को बोलते हैं स्ट्रैटा, हम इनको क्या बोलते हैं, स्ट्रैटा। और ऊपर से क्या हो रहा है, जब ये एक बार लेयर्स बन गई तो यहाँ साइड के साइड रॉक्स प्रेशर लगा रहे होंगे, बॉटम प्रेशर लग रहा होगा, यहाँ हर तरफ से प्रेशर लगता है, इट बिकम्स अ कॉम्पैक्ट काइंड ऑफ अ सिस्टम, जिसे क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्शन। और कॉम्पैक्शन भी कैसे होता है, यू हैव लेयर्स इन बिटवीन देम, ठीक है, तो स्ट्रैटिफिकेशन, लेयर बाय लेयर डिवीजन हो जाता है, और इन लेयर्स के बीच में आपके पास क्या थे, फॉसिल्स थे, आपके पास यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स थे जो कई बिलियन मिलियन ईयर्स के बाद क्या बन गए, फॉसिल्स बन गए, और उनके अंदर क्या लगा होगा, देवर सब्जेक्टेड टू टेम्परेचर्स, देवर सब्जेक्टेड टू प्रेशर्स, बिकॉज ऑफ दैट टेम्परेचर प्रेशर्स इनकी फॉर्म्स बदल जाती है, कुछ फॉसिल्स गैस में कन्वर्ट हो गए, कुछ फॉसिल्स पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए, कुछ फॉसिल्स कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसीलिए सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर जो ओवरऑल सेडिमेंट्स हैं उससे बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, नॉन मेटलिक एज वेल एज मेटलिक, उसके अंदर लेयर्स होती हैं। ये वाले जो रॉक सिस्टम है, मैंने बोला कि ये बहुत सारे एजेंट्स इनके ऊपर काम करते हैं तब ये रॉक सिस्टम बनते हैं, इनके ऊपर भी एजेंट्स काम कर रहे होते हैं एक साथ, इनके ऊपर कंप्रेशन तो हो रही है और साथ साथ स्ट्रेचिंग भी हो रही है, इनके ऊपर वाटर भी एक्ट कर रहा है, वाटर साइकिल भी एक्ट कर रही है, वाटर आएगा कुछ सेडिमेंट्स को बहा के ले जाएगा फिर से, तो दे आर सब्जेक्टेड टू व्हाट, साइक्लिक फिनोमेना। और एक साइक्लिक क्या होती है, वन साइक्लिक एनवायरनमेंट में कुछ पड़ी है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, दे आर सब्जेक्टेड टू द हाइड्रोलॉजिकल फिनोमेना, वाटर आया, हिट किया, वेपर्स, ये वो सब सिस्टम उस पर लगेगा, तो दे आर सब्जेक्टेड, तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स। तो सेडिमेंट्स जहाँ हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाते हैं, जो सेडिमेंट्स के बाद बनते हैं। अब ये सेडिमेंट्री रॉक्स बने, फिर से इन पे क्या होगा, जब एजेंट्स लगेंगे इनको इरोड करेंगे तो फिर से इनका वेदरिंग होगा, इनके ऊपर से जब मटेरियल झड़ेगा उसको बोल देते हैं वेदरिंग और इरोजन, और जब इरोजन होगा तो कुछ छोटे छोटे कॉम्पोनेंट्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलेंगे, वो फिर से सेडिमेंट्स या पाउडर का रूप ले लेंगे, फिर से इनके ऊपर क्या होंगी, फोर्सेज लगेंगी, कॉम्पैक्शन, लिथिफिकेशन, फिर से ये क्या बन जाएंगे, स्ट्रैटा बन जाएंगे, फिर से इनके ऊपर क्या बन जाएगा, सेडिमेंट्स बन जाएगा। ये हुआ सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन। अब क्या होता है, कुछ समय बाद सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स भी तो किसके अंदर हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स क्या कर रही हैं, मेंटल के ऊपर देखा था हमने, मेंटल नीचे एस्टिनोस्फीयर, ऊपर क्या है, लिथोस्फीयर, और जब भी कोई मॉल्टन होता है वो ऊपर वाले को क्या कहता है, मेरे ऊपर आप घूमते रहो, अगर मेरे अंदर तूफान आएगा तो आप भी हिलोगे। जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स मीट करती हैं तो बोथ द प्लेट इंटरैक्ट, एक प्लेट दूसरी प्लेट में जाके सबडक्ट कर जाती है। जब प्लेट सबडक्ट करेगी, इमेजिन सिचुएशन कि एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरी टेक्टोनिक प्लेट के अंदर सबडक्ट कर रही है, अगर दो प्लेट्स का इंटरेक्शन होता है, यू सी दीज टू प्लेट्स इंटरैक्ट, एंड व्हेन दीज टू प्लेट्स इंटरैक्ट दिस प्लेट विल ट्राई टू गो इनसाइड। मजे की बात यहाँ पे क्या है, मजे की बात यह है कि ये प्लेट मैक्सिमम 100 किलोमीटर तक नीचे जा सकती है, उसके बियॉन्ड नहीं, और जब 100 किलोमीटर के बाद जाएगी तो ये टूट जाएगी,
इट विल ब्रेक डाउन, इट विल ब्रेक डाउन लाइक अ मॉल्टन वैक्स, जैसे मोमबत्ती टूटती है आग के ऊपर, लाइक दैट, एंड विल ब्रेक डाउन एंड इट विल स्टार्ट कंज्यूमिंग इनसाइड. ये अंदर कंज्यूम होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आपका ये है क्रस्ट प्लस अपर मेंटल. दिस इज वॉट क्रस्ट प्लस अपर मेंटल. वॉट डू यू कॉल दिस प्लेट? लिथोस्फियर. कैन आई कॉल दिस वॉट? लिथोस्फियर. किसी ने पूछा बताइए लिथोस्फियर क्या होता है, मैंने कहा ये होता है क्रस्ट और ये होता है क्या, अपर मेंटल. फिर किसी ने पूछा इसके नीचे बताइए क्या होता है, तो मैंने कहा इसके नीचे क्या होता है, एस्थिनोस्फियर, यानी कि लोअर मेंटल. व्हाट इज द स्टेट ऑफ लोअर मेंटल? सेमी मॉल्टन, नॉट लिक्विड, सेमी मॉल्टन, पेस्टी. ओके, तो ये फ्लो करता है इस पर. अब होता क्या है, जब ये कंज्यूम होती है ना इसके अंदर, अब मैं सिर्फ इस पर फोकस करता हूँ कि जो कंज्यूम हो रहा है, जो कंज्यूमिंग प्लेट है, जब इसको मैंने जूम करके देखा इसके अंदर क्या है, तो आई सॉ द रॉक सिस्टम्स. मैंने रॉक सिस्टम देखे दो तरह के, और मुझे दो तरह के रॉक सिस्टम्स मिले. उन दो रॉक सिस्टम्स को मैंने देखा इसके अंदर. एक जगह पे तो क्या है, एक जगह पे तो इसके अंदर इग्नियस रॉक है, एक जगह पे इसके अंदर क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स. सेडिमेंट्री रॉक, इग्नियस रॉक, दोनों पे ही जब ये कंज्यूम हो रहा होता है तो ऊपर से प्रेशर्स लग रहे होते हैं, और दोनों पे ही टेम्परेचर्स लग रहे होते हैं. व्हेन द रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू एक्सट्रीम लेवल्स ऑफ प्रेशर्स एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर्स एंड एक्सट्रीम हीट, those rocks changes their form, and that phenomena of change of the form of the rock by the subjecting of extreme temperatures, heat, pressures, that is defined as metamorphosis. और जब वो metamorphosis होता है तो rock कैसा बन जाता है, metamorphic rocks. और यहाँ से बनता है क्या, metamorphic rock system. तो metamorphic rock system के develop होने का कारण क्या होता है, metamorphic rock system में एक मज़े की बात क्या है, उसमें colors मिलते हैं आपको, you will see different colors in them. ठीक है, बहुत तरह के कलर सिस्टम्स मिलेंगे उसमें, लेयर्स भी होती हैं, फोलियो, नॉट स्टेटिक, स्टेटा नहीं, उसमें कलर्स की वजह से क्या होता है, एक मिनरल दूसरे के ऊपर क्या होता है, डिपॉजिट हो जाता है. ये नहीं है, एक मिनरल दूसरे के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, जहां पे लेयर्स दिखती हैं, कलर्स दिखते हैं. ऐसा लगता है किसी बच्चे ने पेंटिंग करके स्ट्राइप्स बना दी हो, ब्लैक, रेड, ब्लू, तो दैट स्ट्राइप इज नोन एज वॉट, मेटामॉर्फिक रॉक, एंड दैट पर्टिकुलर लेयरिंग इज नोन एज फोलिएशन, फोलिक रॉक्स. ओके, तो ये है मेटामॉर्फिक रॉक और ये है सिस्टम. अब क्वेश्चन ये उठता है कि इग्नियस सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक तो बन गया, ठीक है, जो रॉक का कन्वर्जन सिस्टम है, क्या मेटामॉर्फिक से बाकी रॉक सिस्टम बन सकते हैं? अरे बिल्कुल बन सकते हैं. देखो ना, अभी तो ये रॉक सिस्टम की खाली फॉर्म चेंज हुई है, कभी ऐसा भी तो सकता है जब ये बिल्कुल मेल्ट होकर जाएगा, इसको इतना टेम्परेचर मिल जाए कि ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैग्मा में. अगर ये मैग्मा में कन्वर्ट हो गया तो ये किसका पार्ट बन जाएगा, ये मैग्मा का पार्ट बन जाएगा. और मैग्मा कैसा है, मॉल्टन, सेमी मॉल्टन. अगर मैग्मा मॉल्टन है बिल्कुल एस्थिनोस्फीयर के और नीचे, तो मॉल्टन मैग्मा में जब वो जाके मिलेगा तो वो पिघल जाएगा. जब रॉक पिघल गया तो वो किसका पार्ट बन गया, मैग्मा. अब जब मैग्मा प्रेशर की वजह से बाहर निकलेगा लावा, और जब वो लावा ठंडा होगा तो क्या बनेगा, इग्नियस रॉक. हो गई साइकिल रिपीट, साइकिल रिपीटेड और नॉट. नाउ यू टेल मी, सबसे पहले मैंने किस रॉक के बारे में बात करी थी, इग्नियस. वो कौन सा रॉक हो गया, प्राइमरी. उसी से सारे रॉक क्या बनते हैं, सेकेंडरी रॉक सिस्टम. तो प्राइमरी रॉक सिस्टम इज इग्नियस, सेडिमेंट्री को बोल देते हैं क्योंकि पैरेलली फॉर्म हो जाते हैं सेडिमेंट्री भी, लेकिन इग्नियस इज द प्राइमरी. उसी को इरोजन करके सेडिमेंटेशन, कॉम्पैक्शन, लिथिफिकेशन क्या बना, सेडिमेंट्री. सेडिमेंट्री रॉक से फिर से प्रेशर, हीट, मेल्ट, टेम्परेचर लगा तो क्या बना, मेटामॉर्फिक. अब हम देखते हैं इसके जो टाइप्स हैं कैसे हैं. अब देखिए जरा, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे इग्नियस रॉक सिस्टम की. इग्नियस रॉक सिस्टम में अगर आप देखेंगे, प्लीज ऑल ऑफ यू पे अटेंशन हियर, इग्नियस रॉक सिस्टम में अगर मैं आपको लेयर बाय लेयर दिखाऊं, यहाँ पे सबसे पहले नीचे बॉटम पे नीचे लावा का फॉर्मेशन होता है, एसिनोस्फीयर से और नीचे ये लावा ऊपर प्रेशर से जाके इरप्ट होता है. इरप्ट के दौरान पे यहाँ पे वॉल्केनिक एशेज निकलती हैं, प्यूमाइसिस निकलते हैं. अंडमान निकोबार में जाएंगे घूमने के लिए तो वहाँ पे आपको ना कई जगह पे शोपीस मिलेगा. शोपीस में छोटा सा पत्थर एक पर्टिकुलर शोकेस में रख के आपको बेचेंगे. वो बोलेंगे कि ये वॉल्केनिज्म जब हुआ था, जब बैरन आइलैंड इरप्ट हुआ था या जब नारकोंडम हुआ था, उस टाइम का पत्थर है, ले लीजिए फॉर योर एज अ सुवेनियर. ठीक है, तो वो बेसिकली पायरोक्लास्टिक जो बॉम्ब्स होते हैं ना, जो आके गिरते हैं आसपास, क्योंकि उस जगह पे तो आप जा नहीं सकते जब हुआ होता है, और इतना जो रॉक सिस्टम है जो बहुत पुराना है आइडेंटिफाई करना मुश्किल है. तो फिर भी जब ठंडा हो गया तब आप देख सकते हो, बट जो जनरली दूर दूर तक जाके गिरते हैं रॉक्स, उस रॉक्स को आप क्या बोल लेते हैं, प्यूमाइसिस, जो छोटे छोटे आपको निकल के मिलते हैं. उसके अलावा क्या निकलती है, डस्ट निकलती है वहाँ से. अगर हम इसकी लेयर बाय लेयर जाके चेक करें, जस्ट उसके आसपास जो रॉक सिस्टम डिपॉजिट होता जा करके, उसे आप देखेंगे तो इस टाइप का आपको दिखता है. ठीक है, और थोड़ा सा अगर नीचे जाके चेक करेंगे बिल्कुल उसके सरफेस के पास, तो सरफेस के पास बेसाल्ट एंड रायोलाइट, और थोड़ा नीचे जाके चेक करेंगे इस रीजन के आसपास, दैट इज गैब्रो एंड ग्रेनाइट, और थोड़ा नीचे जाके चेक करेंगे तो दैट इज फिनोक्रिस्ट और पॉरफायरी. ये डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक. आपको रटने नहीं है, आपको बस एग्जाम्पल याद होने चाहिए कौन से, मैं बता दूंगा क्या क्या हमें जो लिखने थे अपने एग्जाम में. ठीक, तो क्वेश्चन ये था कि यहाँ पे ये रॉक सिस्टम बने कैसे. इग्नियस रॉक के बनने का हमें पता है कि इग्नियस रॉक्स बनते हैं मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन से. मैग्मा इसका मेन सोर्स होता है, इनमें कोई भी फॉसिल्स नहीं होते,
इनमें कोई भी लेयर्स नहीं होती, ये क्रिस्टलाइन होते हैं, ये ग्रैनुलर होते हैं, ये कुछ कुछ इसकी अपनी प्रॉपर्टीज हैं, किसकी, इग्नियस रॉक सिस्टम की। इग्नियस रॉक सिस्टम का मेन सोर्स था मैग्मा। इग्नियस रॉक सिस्टम को मैग्मा को तरफ देख करके अगर देखें तो दो तरह से आप इसे डिवाइड कर सकते हो, वन इज इंट्रूसिव, अनदर इज एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव का मतलब क्या होता है, इंट्रूसिव मतलब अंदर, एक्सट्रूसिव मतलब बाहर। अगर आप मैग्मा में जाकर के चेक करते हैं, देखिए ये यहाँ देखिए आप जरा मैग्मा, ये जो मैग्मा है जब तक अंदर है मैग्मा है, और जब बाहर निकल गया तो उसे बोल लेते हैं लावा। जब मैग्मा में जाके मैं चेक करूंगा तो मुझे मैग्मा के कॉम्पोजिशन में क्या मिलते हैं, मुझे मैग्मा के कॉम्पोजिशन में बहुत सारे मिनरल मिलते हैं, मुझे बहुत सारे मोल्टन रॉक्स मिलते हैं, और बहुत सारे मेटल्स मिलते हैं उसमें, मिनरल का ही पार्ट हो गया, और साथ साथ सिलिकेट्स, और साथ साथ बहुत सारी गैसेस, वाटर वेपर, ये सब चीज़ें किसमें हैं, मैग्मा के अंदर हैं। जब वो मैग्मा बाहर निकलने का ट्राई करता है, बाहर निकलने के ट्राई करने के टाइम पे कुछ तो उसके रॉक सिस्टम बाहर निकल जाते हैं, कुछ जब बाहर निकलता है लावा, जब वहाँ पर जाके डिपॉजिट होता है और जो रॉक बनाता है उस टाइप के रॉक सिस्टम को आप बोलते हैं एक्सट्रूसिव रॉक सिस्टम। एक्सट्रूजन होता है बाहर निकलना। व्हेन यू मॉर्निंग यू टेक द टूथपेस्ट ट्यूब एंड प्रेस इट एंड योर टूथपेस्ट कम्स आउट, दैट फिनोमेना इज डिफाइंड एज एक्सट्रूजन। क्या बोलते हैं उसको, एक्सट्रूजन। इंट्रूजन का मतलब क्या होता है, अगर हम वापस से किसी ट्यूब में डालें, दैट इज इंट्रूजन। तो अगर अंदर ही अंदर रॉक बन जाते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं इंट्रूसिव रॉक सिस्टम्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव अलग अलग रॉक्स के बारे में अगर बात करें तो देखिए कुछ रॉक्स ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल जा करके नीचे, जब बिल्कुल नीचे जाएंगे तो नीचे से बेस में भी क्या होता है, लेयर्स होती हैं, और जब लेयर्स होती हैं तो उन लेयर्स में जाके रॉक्स अंदर जाके दो लेयर्स के बीच में कहीं एक छोटा सा रॉक डेवलप हो जाता है, कहीं एक डिपॉजिट, ये पूरा दिस ड्राइज एंड सॉलिडिफाइज, ऐसे को बोल लेते हैं प्लूटोनिक रॉक सिस्टम। तो जब मैग्मा नीचे जाता है और रॉक बनाता है, ऐसे फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, प्लूटोनिज्म। और जब मैग्मा ऊपर आता है और लावा की फॉर्म में बाहर निकलता है तो ऐसे रॉक को हम बोलते हैं एक्सट्रूसिव रॉक सिस्टम्स, तो वोल्केनिक रॉक सिस्टम्स। ओके, अब अगर इंट्रूसिव रॉक्स के बारे में बात करें तो इंट्रूसिव रॉक, जैसे कि मैंने बोला कि इंट्रूसिव रॉक मतलब अंदर होते हैं, अगर अंदर होते हैं तो अंदर हैं तो उनके आसपास भी तो पूरा रॉक्स ही हैं, और रॉक्स इज अ वेरी बैड कंडक्टर ऑफ द हीट। अगर रॉक्स बहुत बुरा कंडक्टर है हीट का तो हीट बाहर नहीं आने देगा, अगर हीट बाहर नहीं आने देगा तो उसको थाउजेंड्स मिलियन ईयर लग जाएंगे ठंडा होने में, और जब स्लो कूलिंग होती है तो उसके ग्रेन्स क्या होते हैं, बड़े। जो बड़े ग्रेन्स होंगे तो मीडियम साइज ग्रेन बनते हैं, किसमें, इंट्रूसिव रॉक सिस्टम में। जबकि एक्सट्रूसिव रॉक सिस्टम जो बाहर निकला, जो बाहर निकल के बना, फॉर एग्जाम्पल डेकन प्लेट्यू, डेकन प्लेट्यू में क्या है, लावा हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म हुआ, बाहर निकला, जब बाहर निकला तो एटमॉस्फेयर के सामने आया, एटमॉस्फेयर के सामने आया तो फटाक से क्या हो गया, ठंडा हो गया। जब फास्ट कूलिंग हुई तो फाइन ग्रेन्स बना, और फाइन ग्रेन उसको आप बोल सकते हैं किसको, एक्सट्रूसिव रॉक सिस्टम को। इंट्रूसिव रॉक सिस्टम के बारे में बात करें तो इंट्रूसिव रॉक सिस्टम का एग्जाम्पल है ग्रेनाइट और डायोराइट। आप जो ग्रेनाइट देखते हैं, जो हम घर में यूज़ भी करते हैं, वो कैसा है, दैट इज ग्रेनाइट, डायोराइट, देयर इज एग्जाम्पल गैब्रो, ठीक है, दीज आर ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द इंट्रूसिव रॉक सिस्टम्स जो अंदर जाके बनते हैं। अब अगर देखें इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन के, फर्दर इनको आप इंट्रूसिव रॉक सिस्टम के क्या पार्ट हो सकते हैं, इंट्रूसिव रॉक सिस्टम एक रॉक सिस्टम है, एक्सट्रूसिव एक है, एक्सट्रूसिव वाला समझा बाहर, इंट्रूसिव अंदर। इंट्रूसिव के अंदर भी डिफरेंट पार्ट्स हैं भाई। इंट्रूसिव का मतलब क्या था, आर यू विद मी ऑल ऑफ यू, इंट्रूसिव का मतलब क्या था, जो अंदर है, अंदर के तो बहुत सारे पार्ट होंगे ना, एक अंदर जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि बिल्कुल डीप में चला गया, जो बिल्कुल डीप में गया उसे बोलते हैं प्लूटोनिक, बिल्कुल अंदर चला गया। एक होगा जो कहीं अंदर जा करके किसी लेयर में जाके घुस जाएगा, अगर किसी लेयर में जाकर के वही वाला पार्ट घुस जाता है तो हम उसको बोल लेते हैं दिस इज अ लैकोलिथ, अ शीट इंट्रूजन, किसी पर्टिकुलर शीट में जाकर के यू हैड अ स्पेस। जब ये वोल्केनिज्म है, आप देखिए जरा ध्यान से, ये वोल्केनिज्म ये बाहर निकल रहा है, इसके नीचे अगर मैं देखूँ ना तो कुछ कुछ लेयर्स होती हैं, इन लेयर्स में जब ये वोल्केनो निकल रहा था तो निकलने के टाइम पे लेयर में जाके यहाँ सॉलिडिफाई हो गया, तो ऐसे वाले को हम बोलते हैं यहाँ पे लैकोलिथ्स। कुछ ऐसा था जो बिल्कुल ही नीचे जाकर के बेस, जहाँ से लावा बन रहा था वहीं पे जाकर के रॉक्स बना दिया आसपास, उसे बोलते हैं बैथोलिथ, ठीक है। और कुछ ऐसा जो बिल्कुल बॉटम पे जाकर के गया इससे भी नीचे, उसे हम क्या बोलते हैं, प्लूटोनिक। तो अलग अलग टाइप के प्राइमरी रॉक सिस्टम, या फिर आप बोल सकते हैं इग्नियस रॉक में इंट्रूसिव रॉक सिस्टम हैं। एक होता है प्लूटोनिक, एक होता है हाइपरबेसिल, एक होता है बैथोलिथ, एक होता है लैकोलिथ। तो ये एक ऐसा सिस्टम होगा, अगर ये मेंटल है, ये क्रस्ट है, क्रस्ट के थोड़ा सा जस्ट ऊपर जाके बनेगा, बेस ऑफ द क्रस्ट पे, तो उसे आप क्या बोल देते हैं, सब वॉल्केनिक। प्लूटोनिक क्या होता है, बिल्कुल बॉटम पे जाके, और बैथोलिथ जहाँ से लावा जनरेट हो रहा है, लैकोलिथ जो किसी शीट में जाके घुस गया उसे क्या बोल देते हैं, लैकोलिथ सिस्टम्स। एक्सट्रूसिव अभी देखा, इंट्रूसिव, इंट्रूसिव के बाद एक्सट्रूसिव। एक्सट्रूसिव मतलब ये रॉक हमको नजर आ सकता है, कैन वी सी दिस रॉक, जहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन हो वहाँ पे हम लॉक को देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल बेसाल्ट, फॉर एग्जाम्पल एंडेसाइट,
फॉर एग्जाम्पल रायोलाइट, ये एग्जाम्पल्स किसके हैं, एक्सट्रूसिव रॉक सिस्टम के ये एग्जाम्पल हैं। एक्सट्रूसिव रॉक सिस्टम में क्या था, जब मैग्मा लावा बन के बाहर निकल रहा है और तब रॉक्स डेवलप हो रहे हैं कूलिंग की वजह से, दैट इज एक्सट्रूसिव, क्योंकि ठंडी बहुत जल्दी होते हैं ये, इनकी हीट ट्रांसफर बहुत फास्ट होता है क्योंकि आसपास क्या है एटमॉस्फेयर, तो इनके अंदर जो स्ट्रक्चर है वो कैसा बनेगा, अगर कूलिंग फास्ट होगी तो फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर बनेगा। तो दीज आर द फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इसमें भी फिर से दो टाइप के रॉक सिस्टम आते हैं, किसमें, एक्सट्रूसिव वाले की हम बात कर रहे थे, इसमें दो, एक फेल्सिक आता है और एक मैफिक आता है। फेल्सिक सिस्टम और मैफिक सिस्टम जो है, अगर आप उनका एग्जाम्पल देखना चाहें, ऐसे दिखते हैं, दिस इज फेल्सिक, दिस इज मैफिक। क्वेश्चन कम्स, इन दोनों का जो कलर है और इन दोनों का जो डिज़ाइन है वो अलग अलग क्यों है, बिकॉज इनमें जो एलिमेंट्स हैं, जो मिनरल्स हैं, वो अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फेल्सिक की अगर मैं बात करूं तो आप उसमें ध्यान रखेंगे सोप्स से, सोप्स, सोडियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, सिलिकन, ऑक्सीजन, दिस इज योर फेल्सिक। और अगर मैफिक की बात करेंगे तो मैफिक में दो ध्यान रखेंगे, मैग्नीशियम एंड आयरन, ठीक है। तो ये दो तरह के रॉक सिस्टम्स हैं इसी के अंदर, एक होता है फेल्सिक, एक होता है मैफिक। दोनों का चेंज होने का कारण क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये टाइप ऑफ एलिमेंट्स, इस तरीके से दोनों सिस्टम्स बनते हैं। तो फेल्सिक और मैफिक, ये दो तरह के फिर से किसके हो गए, इग्नियस सिस्टम के पार्ट हो गए। इंट्रूसिव का सेकंड पार्ट नहीं था, वो इसके क्लासिफिकेशन थी अलग अलग, हाँ, ये इसके क्लासिफिकेशन है, सब वॉल्केनिक, दिस इज सब वॉल्केनिक, ओके। अब नेक्स्ट है सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री क्यों बनते हैं, व्हाई डज अ सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन हैपेंस, बताइए। दैट इज केमिकल रिएक्शन इज इन द मेटामॉर्फिक सिस्टम्स, यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ इरोजन होगा, उसका सेडिमेंटेशन होगा, वेदरिंग इरोजन से सेडिमेंट्स बनते हैं, सेडिमेंट्स बनेंगे तो क्या होगा, कॉम्पैक्शन, लिथिफिकेशन और सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाएंगे। हाँ जी बोलिए, आप क्या बोल रहे थे, इग्नियस, मैं बता रहा हूँ, मैं आंसर पे आता हूँ, हम स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं आंसर को, एक काम करते हैं, एक खत्म हो जाते हैं रॉक्स को, देन वी विल सॉल्व दैट क्वेश्चन, ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ, खत्म हो देन आई विल सॉल्व दैट क्वेश्चन, डोंट वरी, ओके। सेडिमेंट्री रॉक्स हमें पता है फॉर्म कैसे हुए, ये बात हमको क्लियर है, अब सवाल उठता है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं सेडिमेंट्री रॉक सिस्टम के, हमें सेडिमेंट्री रॉक सिस्टम के कोई कैरेक्टरिस्टिक पूछेगा तो हम आंख बंद करके बता सकते हैं कि वो जो है सेडिमेंट्स, उसके अंदर लेयर्स होती हैं, उसके अंदर स्ट्राटा होते हैं, उसमें फॉसिल्स भी होते हैं, ठीक है, उसमें फॉसिल होते हैं, बात सबको क्लियर है, वो हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम के एक्शन से बनता है। तो ये चार पांच जो हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़े कि ये जो है इसका प्रोसेस लिथिफिकेशन बोलते हैं इसको, सेडिमेंटरी रॉक्स में फॉसिल हैं, लेयर्स हैं और वो हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम से बनता है। एक बात ध्यान रखेंगे, जो इग्नियस रॉक्स होते हैं ना, इग्नियस रॉक्स एक लावा को कूल डाउन होने से बनता है, उसमें कोई पोर्स नहीं है, पोर मतलब समझते हैं जैसे फोम होती है आपकी, फोम में अगर पानी डुबाएंगे तो उसमें पानी भर जाएगा, उसे पोर बोलते हैं, आपका मटका जो होता है उसमें पोर होते हैं, बट इग्नियस रॉक्स डजंट हैव एनी पोर्स, व्हाई, because when cooling happens while volcanism, entire moisture, all the pores have been blocked, it is just a blockade, nothing else, whereas sedimentary rocks kya hota hai, layers hoti hain, sedimentary rock aisa samajh sakte ho aap ki layer by layer bana, to usme abhi bhi kya pani aa sakta hai, it can percolate water, lekin igneous mein aisa nahi hoga, igneous kaisa hai, it is a kind of a raincoat, uske andar koi pani nahi jayega, to ye kuch characteristics hue, agar type ki baat kare to bahut sare types hain, jitne bhi type ke stones hai na, aap unko sedimentary mein dalna, sandstone, limestone, मड स्टोन, क्ले स्टोन, उसके बाद आपका कोल, कोल फॉर एग्जांपल लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, ये सब कोल के पार्ट हो गए, तो ये जितने भी हैं, फॉर एग्जांपल डोलोमाइट, ठीक है, ये लाइमस्टोन, डोलोमाइट, ये सब जो हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक ज्योग्राफी तो उसमें हम देखेंगे कि जो हम आयरन बनाते हैं, आयरन प्रोड्यूसिंग जो इंडस्ट्रीज है वहाँ पर ये बनता है, क्योंकि स्लैग पर क्वेश्चन आया हुआ है कि स्लैग की एप्लीकेशन क्या क्या है, स्लैग कैसे बनता है, ओके। तो ये सेडिमेंट्री रॉक की बात हुई, सेडिमेंट्री रॉक कैसे बने, क्या कैरेक्टरिस्टिक हुए, कितने टाइप के, सैंडस्टोन, सिल्टस्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट, मडस्टोन, क्लेस्टोन, ये किसके हुए, क्लास्टिक टाइप सेडिमेंट्री रॉक। अभी लग रहा है आपको कितने सारे पढ़ने पड़ेंगे, रटने पड़ेंगे, दो बार स्लाइड पढ़ोगे ना सब रट जाएगा, हैव पेशेंस, ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, आई अंडरस्टैंड टाइम लगता है, बट एक से दो बार, अभी पहली बार देख रहे हो या किसी ने दूसरी बार देख रहा होगा, कोई एनसीईआरटी पढ़ के आया तो तीसरी बार देख रहा होगा, तीन या चार रिवीजन में आप खुद से रट जाओगे कि अगली स्लाइड में क्या है और कितने टाइप के रॉक हैं, और आंसर बहुत ईजी हो जाएगा लिखना। अभी हम देखते हैं आंसर कैसे लिखना है, ठीक है, याद रखना, जब आप मेंस में जाओगे ना तो मेंस में जब आप पहुंचोगे आप तभी पहुंच पाओगे, मेंस में जब आपकी सारी चीज़ें कहाँ होंगी, फिंगर टिप्स पे, वरना नहीं पहुंच पाओगे।
तो ये मत घबराना मेंस में इतना कैसे लिखेंगे, तो मेंस में तभी पहुंचोगे जब लिख पाओगे, या फिर जब लिख पाओगे तभी पहुंचोगे, ठीक है। तो दोनों बातें क्या हैं, म्यूचुअली इंटरकनेक्टेड है, तो डोंट वरी, यू विल गेट एवरीथिंग। कुछ नहीं करना, हमें बहुत सारा रटना है, हमको बहुत सारा समझना है, वो तो हम समझ ही रहे हैं क्लास में, हम सब कुछ समझ जाते हैं बिना सोए, राइट, है ना, बिल्कुल नींद नहीं आती हमको, आंखें भी बंद नहीं होती, बिल्कुल खुली रहती हैं, क्या कंसेप्ट सब पता होता है, तो बिना सोए हम सब समझते हैं। रटने की बस काम रह गया, वो हम घर जाके करेंगे, या वो भी हम यहीं करेंगे, रटना तो खुद ही है ना। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में। तो जब भी किसी रॉक सिस्टम को, किसी एक रॉक सिस्टम को सब्जेक्ट करेंगे टेम्परेचर, प्रेशर, हीट, इन सब से कंसिस्टेंटली, तो कोई भी रॉक सिस्टम हो, इग्नियस हो या सेडिमेंट्री हो, ये दोनों कन्वर्ट किस में हो जाएंगे, मेटामॉर्फिक रॉक सिस्टम में। तो मेटामॉर्फिक रॉक सिस्टम रिक्रिस्टलाइजेशन से बनता है। नाउ व्हाट इज रिक्रिस्टलाइजेशन, रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है, रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है गर्म होना, अगर देसी भाषा में बात करूँ तो इट इज़ रिक्रिस्टलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, सभी ने स्टील प्लांट का नाम सुना है दुनिया में, स्टील प्लांट नाम की कोई चीज़ होती है, नहीं होती, होती है ना। स्टील प्लांट में क्या बनता है, स्टील कैसे बनता है, आयरन ओर से। जब स्टील बनता है आयरन ओर से, तो आयरन ओर क्या होती है, मिट्टी होती है, उसमें आयरन होता है, आप उसे फर्नेस में डालते हैं, फर्नेस में डालते हैं तो वो बर्न होता है और वो पिघलता है, पिघलता है तो स्टील बनता है। मुझे बताइए व्हाट इज़ मेल्टिंग, मेल्टिंग जब होगी ना, जब आप उसके मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाएंगे, आप क्या करते हैं फर्नेस में, मैं समझा रहा हूं रिक्रिस्टलाइजेशन, बस ध्यान दीजिए क्या होता है, फर्नेस में आप आयरन ओर रखते हैं, ठीक है, जब आयरन ओर रखते हैं तो आप आग लगाते हैं, जब आग लगाते हैं तो इस आग से जो फर्नेस का टेम्परेचर है 2600 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, और जो आयरन है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज़ समवेयर अराउंड 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, रफली 800 टू 1000 होता है। अब जब जैसे ही आयरन 1000 में पहुंचता है, आयरन मेल्ट करके मॉल्टन आयरन बन के स्टील प्लांट में बहना स्टार्ट हो जाता है, आयरन की नदियाँ बहती हैं स्टील प्लांट में, जिसमें से आयरन को फिर प्योरीफाई करते हैं, स्टील बना लेते हैं। एक चीज़ मुझे बताइए, जब ये आयरन मेल्ट होता है वो तो टेम्परेचर 1000 होता है, लेकिन क्या फर्नेस में रखते हैं मेल्ट हो जाता है, नहीं, आयरन स्लोली स्लोली क्या होता है, गर्म होता है। जब गर्म होता है तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब वो मॉल्टन स्टेट में आने वाला होता है, जिस स्टेट में आयरन अपनी सॉलिड स्टेट को छोड़ रहा होता है और मॉल्टन स्टेट में कन्वर्ट हो रहा होता है, प्रॉपर मॉल्टन नहीं होता, प्लास्टिक जेली जैसा बन जाता है और सॉफ्ट बन जाता है, उसे क्या बोलते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। ऐसे ही स्टील का भी रिक्रिस्टलाइजेशन होता है। अगर एक स्टील को लोगे ना, मान लीजिए मेरे हाथ में स्टील रॉड है, अगर ये स्टील रॉड को मैंने रख दिया फर्नेस में, ये पिघल जाएगी, मॉल्टन आयरन बन जाएगी, लेकिन कितने टेम्परेचर पे, 1000 पे। लेकिन अगर ये स्टील रॉड को मैं 500 डिग्री सेल्सियस पे रखूंगा तो ये स्टील रॉड रॉड नहीं होगी, इट विल बिकम अ स्टील जेली। व्हेन आई विल होल्ड दिस जेली आई कैन जस्ट चेंज द शेप, वट एवर शेप आई वॉन्ट, तो दैट जेली विल फॉर्म एट अ टेम्परेचर ऑफ 550 डिग्री सेल्सियस, एंड दैट 550 डिग्री सेल्सियस इज डिफाइंड एज वॉट, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर ऑफ द स्टील। तो रिक्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, जब किसी बॉडी पे, जब किसी एक पर्टिकुलर रॉक पे हीट लगती है और वो धीरे धीरे गर्म होता है और गर्म होकर सेमी मॉल्टन स्टेज में आता है और उसके बाद वो रॉक बनता है, तो उसको क्या बोलते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन। और ये तो है, इसे तो मेटामॉर्फिक रॉक बन रहे हैं, तो इससे बनता है, प्रेशर और टेम्परेचर उसमें ऐड करते हैं, टेक्स्चर बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है भाई, स्टील बनता है ना, स्टील, स्टील कैसा होता है, टेक्स्चर बहुत स्मूथ होता है। आयरन को देखें, कभी जाके किसी आयरन ओर की माइन में जाना, पत्थर उठाना, यू विल सी दैट पत्थर इज़ वेरी वेरी हैवी बिकॉज आयरन इज़ देयर, द पत्थर इज़ वेरी रफ, वेरी बैड टेक्स्चर। जबकि जब हम अपने आयरन के स्टील को देखते हैं तो स्टील इज़ वेरी वेरी स्मूथ, क्यों, उसके ऊपर मेल्टिंग होती है, उसके ऊपर हीटिंग होती है, तो इट मेक्स द टेक्स्चर वेरी स्मूथ। ओके, उसमें उसमें नहीं, ये नहीं बोल सकते हम, प्राइमरी रॉक्स वो होती हैं जब जियोलॉजिकल पास्ट को हम लोग देखते हैं, तो वोल्केनिज्म पहले हुआ तो पहले कौन सी रॉक आई, और जो पहली हमेशा प्रीकर्सर रहेगी अदर रॉक्स के बनने के लिए, इग्नियस विल बी पैरेंट रॉक, बट वेन वी टॉक अबाउट प्राइमरी तो वी डिफाइन सेडिमेंट्री ऑल्सो इन दैट, ठीक है। मतलब ज्योग्राफी बड़े ही वेग सा देती है इस पे आर्ग्यूमेंट कि इग्नियस ही होना चाहिए, लेकिन बोलते हैं इग्नियस सेडिमेंट्री रॉक, क्योंकि इग्नियस से सेडिमेंट्री पैरेलल बन रहा होता है, समझे मेरी बात, सेडिमेंट्स तो बनते रहते हैं ना, रॉक कभी भी एक सिंगल नहीं बनता, उसके चूरा, उसका चूरा, उसका पाउडर बनता रहता है। ओके फाइन, तो ये कुछ इसके हमने देखे, इसमें लेयर्स जो हैं बहुत कम, आप बोलते हैं कभी कभी लेयर मिल सकती है इसमें, क्योंकि आप इतना गर्म हो जाते हैं आपको लेयर नहीं, और फॉसिल इसमें नहीं मिलते या रेयरली मिलते हैं, क्योंकि कोई फॉसिल अगर टेम्परेचर को बहुत ही रेजिस्टेंट है तब शायद वो मिल जाए, अदरवाइज फॉसिल क्या होगा, नहीं मिलेगा। और ये एसिड से रिएक्ट कर सकते हैं, दिस काइंड ऑफ रॉक सिस्टम, क्योंकि ये प्रोन होते हैं किसको, एसिड को। तो ये कुछ बात हुई मेटामॉर्फिक रॉक के बारे। अब ये भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं फोलिएटेड, देख सकते हैं आप देख रहे हैं इसमें कलर्स, कैन यू सी द कलर्स, दिस इज़ व्हाट, चॉकलेटी, दिस इज़ व्हाट, ग्रेइश, दिस इज़ व्हाट, लिटिल ब्राउनिश,
ग्रेइश, लाइट ग्रे, डार्क ब्लूइश, ठीक है। तो कलरफुल इसमें मेटामॉर्फिक रॉक क्यों मिला? क्योंकि हीटिंग हुई। हीटिंग हुई तो क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस हुए, कुछ हुए, बॉन्डिंग्स हुई, ठीक है, डिसबॉन्डिंग्स हुई, उसके कारण क्या होता है, रॉक्स अपना टेक्स्चर चेंज करते हैं, स्मूथ बनाते हैं और अपना कलर भी चेंज कर लेते हैं। जो रॉक्स फोलिड होते हैं उनके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे ग्नाइस, फाइलाइट, शिस्ट एंड स्लेट, ये आपको कुछ कुछ याद रखने हैं। और जो रॉक्स अपना टेक्सचर चेंज नहीं करते, या फिर आप बोल सकते हैं जो जिनमें लेयर्स नहीं होती उन्हें आप बोल देते हैं नॉन फाइलाइट, फॉर एग्जांपल मार्बल एंड क्वार्ट्जाइट, ये हैं इस टाइप के रॉक जिसे आप बोल सकते हैं नॉन फोलेटेड रॉक्स। तो ये कुछ हमने देखे डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक सिस्टम्स। हाँ जी, सिंगल मिनरल सिंगल मिनरल कैसे हो सकते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स? मल्टी मिनरल्स होंगे, उसमें भी आपको मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है, क्रिस्टल्स मिलते हैं, सब सारे मेटामॉर्फिक रॉक ही मिलते हैं। क्रिस्टल्स में मिल सकते हैं, लेकिन आपके मोस्टली जो क्रिस्टलाइन है रॉक्स, आपके इग्नियस रॉक्स ही उसको बोलते हैं हम लोग। मेटामॉर्फिक रॉक्स में क्या है ना, क्रिस्टल मिलते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिलते, क्योंकि मेटामॉर्फिक रॉक्स बन रहे हैं भी हीट को कूल डाउन होने से, और आपके इग्नियस भी वैसे बन रहे हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि मेटामॉर्फिक रॉक के ऊपर हीटिंग प्रोसेस ट्वाइस लग रहा है, समझे आप, जबकि इग्नियस में हीटिंग प्रोसेस सिंगल लग रहा है। तो सिंगल हीटिंग में वो जहां होते हैं ठंडे हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स का जो कूलिंग प्रोसेस है, ये कूलिंग प्रोसेस इट मे टेक मिलियन ऑफ ईयर्स बिकॉज इट इज़ हैपनिंग विद इन द अर्थ क्रस्ट। और जो एक्सट्रूसिव इग्नियस हैं उसमें क्या हो रहा है, इमीडिएट कूलिंग इज देयर, तो क्रिस्टल्स आर विजिबल, हेयर क्रिस्टल्स आर इनविजिबल। एग्जैक्टली, मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं, जितने भी प्रेशियस स्टोन्स हैं वो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं। तो वो जरूरी नहीं है सिंगल, मल्टी क्रिस्टल्स भी होते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्रिस्टल्स हैं मल्टी क्रिस्टल्स भी होते हैं। सवाल सॉल्व करिए। हाँ जी, क्यों उसके क्रिस्टल बड़े होने चाहिए, उसका साइज होना चाहिए बड़ा, ग्रेन साइज। क्रिस्टल छोटा क्यों होगा, क्योंकि उसके अंदर जो कूलिंग है वो स्लो हो रही है, ठीक है। हाँ हाँ, यस यस, नहीं वो दोनों अलग फिनोमेना है। हाँ हाँ, मैं समझ गया आपकी बात, आप कहाँ रिलेट कर रहे हैं। क्वेश्चन देखेंगे, चलिए जरा सॉल्व करिए सवाल को, पूछा नहीं आंसर किसी से मैंने, बस अभी सॉल्व करने दीजिए, खुद भी करें और औरों को भी करने दें शांति से। फोन मार है, ये जो इग्नियस है सेडिमेंट्री है सर, तो ये यहीं पर सर वो उसी फॉर्म में तो होते हैं सर, तो ये उसको हम मेटामॉर्फिक क्यों कहते हैं सर? क्योंकि जब रॉक्स नीचे जाएगा सबडक्शन के टाइम पे, तो जाके मिलेगा, जब सबडक्शन होगा, जब सबडक्शन से पहले था तो वो इग्नियस था, वॉल्केनो से बन गया, चीज़ से मिल रहा है, प्रेशर लगने के कारण, उसमें ऐड सबट्रैक्ट छोड़ दो, उसमें हीट लग रही है, एक वॉल्केनो ठंडा हुआ, उसमें हीट से ठंडा हो गया, वो ओरिजिनल बन गया, अब वो नीचे के चला जाता है, सबडक्ट हो जाता है, उसमें हीट लगती है, प्रेशर लगता है, मेल्टिंग होती है, ठीक है, तो क्या बनेगा, मेटामॉर्फिक बनेगा, नहीं बनेगा मेटामॉर्फिक बन जाता है। तो तुम थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो। ओके, कैन वी कम टू द आंसर, क्या हो जाएगा, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेडिमेंट्री रॉक्स, दे आर फॉर्म एट द अर्थ सर्फेस बाई हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम, इज इट करेक्ट? ओके, फॉर्मेशन ऑफ दीज रॉक्स इन्वॉल्व वेदरिंग ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स। देखा हमने, अगर प्रीसिस रॉक्स है उसमें बहुत सारे एजेंट्स एक्ट करते हैं, दे कंटेन फॉसिल्स, यस, और दे कंटेन इन, दे कम इन लेयर, यस। तो आंसर इज क्या, क्लास में नहीं थे आप अभी, क्या होता, कोई बताएगा हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम? हाँ बोलिए, सुनिए, हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम व्हेन वाटर सिस्टम, कर दो यार, क्यों बना कर, ओके लाइमस्टोन मोस्टली सेडिमेंट्री, ओके रिलैक्स 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 ऑल ऑफ यू, प्लीज रिलैक्स यार, दो यू जस्ट डू वन थिंग, जस्ट पुट अप दैट पर्टिकुलर फ्लैप्स ऑन द अपर डायरेक्शन,
किसी को बुला देना बाहर से यार, वो कर देंगे, आप बुला दीजिए किसी को, इट्स ओके फाइन हो जाएगा। अब इसे छेड़िए मत, आप एक काम करिए इसको रख दीजिए। Can we please be silent for something? It's okay. Relax. देखिए क्लास में थोड़ा सा क्लास की डेकोरम को मेंटेन करिए, ये सब मत करिए, ठीक है? हाँ जी एस एथिक्स नहीं हुआ अभी, हाँ अच्छा तभी एक मिनट जस्ट करण ये एसी को थोड़ा फ्लैप ऊपर कर दो, इसका होगा ना वो होगा स्विंग होगा, वो थोड़ा ऊपर कर दो फ्लैप, बस यहीं छोड़ दो आप, ठीक है? हाँ और इसका टेम्परेचर सेट करके ना, कितने पे रहता है टेम्परेचर जनरली? व्हाट इज द टेम्परेचर? 18 पे, 18 पे रख दो। एंड बाय योर ओन यू कैन नॉट चेंज द एसी बिकॉज यू आर नॉट ओनली वन इन द सेटिंग इन द क्लास, एवरीबडी इज देयर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक द कंसेंसस। सेकंड थिंग इज अगर आप कर भी रहे हो कुछ टाइम के लिए तो अगर कोई डिस्टर्ब हो रहा है तो हमें ध्यान रखना चाहिए। कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, ठीक है, हाँ आपकी गलती नहीं है, इट्स ओके, चलिए ठीक है, ठीक करण ठीक है, चलिए शैल वी स्टार्ट द क्लास और शैल आई गो? पहले आप लोग अपना केस सॉल्व कर लीजिए, ठीक है? यू शुड नो कि मतलब दिस मैम नोज व्हाट इज माय आर्टिकल 21 वेरी करेक्ट, ठीक है? एंड दैट पर्सन ऑल्सो नोज कि व्हाट इज आर्टिकल 19, ठीक है? यू शुड माइंड योर वर्ड्स, आर फ्रीडम ऑफ स्पीच इज देयर बट रेस्ट्रिक्टेड टू सम थिंग्स दैट ए सी स्विचिंग इन्वॉल्व हाउ मच ऑफ द कमेंट्स, ठीक है? तो 19 और 21 को कंबाइन करें तो दोनों को ही दोनों के आर्टिकल्स पता हैं, पॉलिटिक्स चल रही है ना, इट्स ओके मैम, देर इज़ नो नीड टू बी हाइपर अप टू दैट मच एक्सटेंट, दैट्स फाइन, कोई बात नहीं हम अवॉइड कर सकते हैं, दैट्स फाइन, तो लिटिल बिट। अरे यार प्लीज ऑल ऑफ यू, अच्छा ठीक है, इट्स ओके, प्लीज मेंटेन द डेकोरम, इट्स ओके, मेंटेन द डेकोरम ऑफ द क्लास, डोंट डू दिस, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज सॉर्ट इट आउटसाइड, ठीक है? वापस आते हैं, चलिए क्या आंसर हो जाएगा इसका? डी, हाँ जी बोलिए। किस में? ये मेटामॉर्फिक में होगा, रेयरली उसमें होते हैं बट बहुत कम, और मे नॉट वाला उसमें आएगा, लेकिन इसमें होते हैं फॉसिल्स, तो इसमें ये स्टेटमेंट गलत तो नहीं होगा ना, हमको गलत निकालने, दे कंटेन फॉसिल, अगर आपका सही होता है दे ऑलवेज कंटेन फॉसिल तो हम सोचते शायद उसमें, या दे नेवर कंटेन फॉसिल, अभी वर्ड है जनरल, देखो स्टेटमेंट ना प्री में दो तरह की आती है, एक इज जनरल, वन इज वेरी एक्सट्रीम, एक्सट्रीम पे हमें दिमाग लगाना है, जनरल में दिमाग लगाना, तो यही हमें प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को देखने के बहुत सारे नजरिए हो सकते थे, ये स्टेटमेंट बच्चे बहुत गलत करके आए थे, हाइड्रोलॉजिकल लोगों को पता नहीं होता, ठीक है? वाटर साइकिल सब पढ़ते हैं बचपन से, लेकिन हाइड्रोलॉजिकल के बारे में पता नहीं होता, ठीक है? तो हाँ कैसे कैसे गलत होगा? कन्फ्यूजन की बात कर रहा हूँ मैं मैडम, हाइड्रोलॉजिकल मतलब गलत इन द सेंस कि स्टेटमेंट गलत करके आते हैं, ये गलत है। अब ये गलत है तो आंसर तो गलत होगा नहीं, लेकिन ये गलत सही कैसे? मैंने बोला ना यूपीएससी खेल, इसमें कैसे गेम खेला यूपीएससी ने, वन सब में दिया है और वन इतना सबसे पहले वन ही दे दिया, हाइड्रोलॉजिकल देने की जरूरत क्या थी? बुक्स में नहीं है हाइड्रोलॉजिकल वर्ड, यू गॉट माय पॉइंट, बुक्स में आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा हाइड्रोलॉजिकल वर्ड रॉक्स के कंपैरिजन में, तो दे दिया वो खेल गया। अब बच्चे कंफ्यूज हैं कि ये क्वेश्चन में कुछ और मीन कर रहा है या फिर क्या कर रहा है, या मुझे कोई और ऑप्शन हटाना चाहिए, देख रहे हो? तो कंफ्यूज करने के लिए सबसे गलत या सबसे अजीब स्टेटमेंट पहले डाल देता है और फिर आप खेलते रहिए सवाल में, ठीक है? तो आपको पता है अगर तो सभी स्टेटमेंट जनरल हैं, सभी हमारे नोन है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा, राइट? ओके, तो ये कुछ रॉक्स के बारे में हमने डिस्कशन किया।